भारत सरकार के डीआरडीओ द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में जिला का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट 10 दिनों के भीतर स्थापित करके उसे शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर के निर्देशों पर एनएचआई और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जोनल अस्पताल का दौरा किया और प्लांट के लिए जगह चिन्हित की। एनएचआई 10 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा तैयार करके देगी, जिसमें बिजली की सुविधा भी होगी, जबकि इसके बाद डीआरडीओ इसमें ऑक्सीजन प्लांट की सारी मशीनरी स्थापित करके इसे सुचारू रूप से चलाकर जोनल अस्पताल प्रबंधन के हवाले कर देगा। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ये प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और इससे अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी पिछले कल ही इसका निर्धारण हुआ है, माननीय जिलाधीश महोदय को प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी सूचना दी गई और माननीय जिलाधीश महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पीछे से दिशा निर्देश थे कि इसका जो सिविल वर्क है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट करना है, तो एनएचएआई ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री नवीन मिश्रा जी, वो आज सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने मेरे साथ और सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जोनल हॉस्पिटल मंडी डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा के साथ और जो हमारी टीम थी उसके साथ जहाँ पे ये प्लांट लगेगा उस स्थान का चयन किया और उसके बाद जो अगली जो ये सिविल वर्क बना के देंगे उसका एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट लगना है वो भी आ जाएगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।